फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पद्मश्री लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? सो आज मैं आपके लिए फिर से एक अमेजन हॉल लेकर आई हूं, और पहले भी मैंने काफी सारे अमेजन हॉल आपके साथ शेयर करे हैं। सो इस बार भी मैंने अमेजन से कुछ शॉपिंग करी है, और काफी टाइम हो गया कुछ चीजें, तो एक महीना हो गया मुझे मिले हुए। तो धीरे धीरे मैंने कुछ शॉपिंग करी है और वो काफी सारी चीजें इकट्ठी हो गई हैं, तो मुझे लगा क्यों ना ये सारी चीजें भी मैं आपके साथ शेयर करूं और इनका रिव्यू बताऊं कैसी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस बार जितनी भी सारी चीजें हैं ना, वो अंडर 500 हैं। तो काफ़ी रीजनेबल चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, यूज़फुल हैं। और तो चलिए फिर दिखाई देती हूँ क्या है। तो सबसे पहले ना, इस बार मैंने कुछ ब्रास के आइटम मंगाया। सो मुझे ना ब्रास की चीज़ें आजकल बड़ी पसंद आती हैं, तो मुझे बड़ा शौक चढ़ गया है ब्रास की चीज़ों का कलेक्शन इकट्ठा करने का। और उसमें सबसे पहली चीज़ें हैं कि ब्रास के यूटेंसिल्स, बर्तन। तो मैंने कुछ अभी ब्रास के बर्तन की शॉपिंग करना स्टार्ट करे हैं। तो मैंने सबसे पहले ये देखिए ब्रास की जो बॉल है वो मंगाई है। इस तरह की कटोरी है ब्रास की, यहाँ पे इसके डिज़ाइन बना हुआ है, यहाँ पे कटिंग वाला डिज़ाइन है, काफ़ी सुंदर सी बॉल है ये। और मेरा जो बेटा है उसको भी ब्रास की चीज़ें में खाना खाना बहुत पसंद है। मैं धनतेरस पे एक छोटा सा बॉल लेके आई थी, और वो उसमें बोलता है मैं सोने की कटोरी में खा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने कुछ और भी ये दो बॉल मंगाए हैं। और जितनी भी चीज़ें हैं लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और इनकी जो प्राइस वगैरह है वो भी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। तो ये देखिएगा, इस तरीके से ब्रास के मैंने ये दो बॉल मंगाए हैं, काफ़ी सुंदर लगते हैं ना, दिखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, गोल्डन गोल्डन सोने जैसे ना। तो ये मैंने मंगाए हैं, और इसके साथ ही मैंने दो चम्मच मंगाई हैं, दो स्पून भी ब्रास की मंगाई हैं। तो स्पून भी कुछ इस तरीके की हैं, और स्पून के यहाँ भी ये देखिए डिज़ाइन बना हुआ है, तो काफ़ी सुंदर सी स्पून है। और स्पून एंड बॉल का ये पूरा एक सेट बन जाता है, तो मैंने दो स्पून और दो ये बॉल मंगाई हैं। तो स्पून का प्राइस भी मैं आपको मेंशन कर दूंगी, और जो बॉल का है वो भी मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। तो इस तरह की ये बहुत बड़ी स्पून नहीं है, बट हाँ ठीक है, इस साइज में ये स्पून है। आई थिंक 5 ml वाली स्पून है ये, इनका जो साइज है वो, और काफ़ी सुंदर सी ये स्पून है ब्रास की, और ब्रास की बॉल है। तो इसी तरीके से मैंने ब्रास के कुछ एक दो आइटम और मंगाए हैं। नेक्स्ट मैंने ब्रास का ये दिया मंगवाया है, तो इसमें देखिए 5 यहाँ पे बत्तियाँ दिए बने हुए हैं छोटे छोटे, और एक ये बड़ा दिया बना हुआ है, तो यहाँ पे आप बड़ा दिया लगा सकते हैं और 5 छोटे छोटे। और इस तरीके से इसके साथ में हैंडल होता है, अच्छे से पकड़ के आप आरती वगैरह कर सकते हैं। सो मेरे घर में दोनों टाइम सुबह शाम पूजा होती है, और वैसे भी दिवाली की पूजा या नवरात्रों में या गणेश चतुर्थी पे जब चौकी वगैरह बिठाते हैं, तो इस तरीके से आरती करने के लिए काफ़ी अच्छा सा दिया है, और काफ़ी अच्छा हैंडल है, और इजीली ना ऐसे रखा भी जाता है। तो आरती के लिए मैंने ये दिया मंगाया, और ये भी ब्रास का है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी वगैरह है इसकी। एंड नेक्स्ट जो है वो भी मैंने दिया मंगवाया है, और वो है ये इस तरीके से, ये स्टैंडिंग दिया है, और यहाँ पर भी ये देखिएगा यहाँ पर इसकी जो 7 हैं, ये 7 बत्ती वाला दिया है इसमें, तो 7 बत्तियाँ आप इसमें लगा सकते हैं। और जब हम पूजा वगैरह करते हैं, तो मैंने ये एक नहीं, मैंने ये दो मंगाए हैं, कि कोई भी अगर चौकी वगैरह की स्थापना करते हैं तो दोनों साइड में इस तरीके से लगाने में, या दिवाली की पूजा करते हैं तो दोनों साइड में इस तरीके से रखने से, और इसमें इतने सारे दिए एक साथ जल सकते हैं, तो काफ़ी सुंदर से लगते हैं ये। और ये ब्रास के हैं ये दोनों भी, तो एक का प्राइस आई थिंक 450 या अंडर 500 है इसका एक का प्राइस। तो जितने भी आइटम हैं सारे अंडर 500 ही हैं, अच्छे लगते हैं ब्रास के आइटम पूजा वगैरह में। तो ये मैंने मंगवाए हैं, और मैंने बताया ना आजकल मुझे ब्रास की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, तो मैंने ये ब्रास के कुछ आइटम्स मंगवाए हैं। उसके बाद मैंने ये स्पून्स, ये लॉन्ग वाली स्पून्स जो हमारे लॉन्ग ग्लासेस वगैरह होते हैं उनके लिए, आई थिंक 20 cm इनकी जो लंबाई है स्पून की वो है, और ये लॉन्ग वाली स्पून चाहिए होती है हमें ग्लास वगैरह में, बड़े ग्लास होते हैं तो उसके लिए, और आइसक्रीम खाने के लिए, या इस तरीके से बड़े ग्लासेस में फालूदा वगैरह खाने के लिए काफ़ी काम आती हैं। तो 6 स्पून हैं, 6 का सेट है ये, ये अच्छी लगती हैं ये स्पून्स, मेरे पास नहीं थी लॉन्ग वाली, तो मैंने 6 मंगवा ली हैं ये। एंड साथ ही में मैंने एक बहुत ही यूज़फुल सी चीज़ मंगवाई है, हालांकि उसके लिए ये मतलब वो थोड़ा लेट हो रही है आपके साथ शेयर करनी, बट अभी मैं हॉल आपके साथ शेयर कर रही हूँ अमेज़न, तो मुझे लगा क्यों ना मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँ। और वो है एक ये यूज़फुल सी चीज़, तो देखिएगा फैब भी स्टार्ट हो गया है। सो मैंने इस तरीके का एक कैलेंडर मंगवाया है, तो ये किस लिए मंगवाया वो तो आपको पता ही है, डेट और मंथ देखने के लिए। सो इस तरीके का मुझे अपने किचन के लिए चाहिए होता है, और ये वाला ना
मैं जहाँ रहती हूँ वो छोटा शहर है, और वहाँ ये इस तरीके से कैलेंडर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो जो टेबल पे रखने वाले होते हैं ना, डेस्कटॉप वाले रखने वाले, वो तो मिल जाते हैं, बट इस तरीके से क्वार्ट्स वाला, इस पर बहुत ही प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर कलरफुल से क्वार्ट्स लिखे हुए हैं, और इस तरीके से इतना सा साइज़ है इसका, आप देख लीजिए इतना साइज़ है, और काफ़ी यूज़फुल सी चीज़ है, और इसमें बड़े ही अच्छे अच्छे क्वार्ट्स लिखे हुए हैं हर मंथ के। सो ये देखिएगा, काफ़ी सुंदर सा कलरफुल सा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और एक साल तो आपको ये यूज़ में आएगा ही, उसके बाद आप इनकी जो ये क्वार्ट्स हैं इनको कट करके फ़ोटो फ्रेम करा सकते हैं, और अपनी वॉल डेकोर में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा इसका जो पेपर है वो है, साइज़ में ये छोटा है, मुझे इसी साइज़ का चाहिए था, पर जो पेपर की क्वालिटी है वो सब अच्छी है, और काफ़ी सुंदर से क्वार्ट्स वगैरह इस पर लिखे हुए हैं। तो एक ये है, काफ़ी यूज़फुल सा है ये, और इसको मंगवाए हुए मुझे काफ़ी दिन हो गए, तकरीबन 1 मंथ हो गया है, और अगर आपने नहीं परचेज़ किया तो आप देख सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट मैंने मंगवाया है वो है, ये देखिएगा, ये है कैंडल विक्स। अगर आपको कैंडल मेकिंग का शौक़ है, या आपको अपने हाथ से कैंडल बनाना पसंद है, तो इस तरीके से विक्स होती हैं, ये कैंडल में जो थ्रेड यूज़ होती है ना, इसको विक्स बोलते हैं। सो ये मैंने मंगवाई है, और इसकी जो लेंथ है वो आप देख रहे होंगे, आई थिंक ये 7 इंचज है। सो 50 का पैक है ये। तो इस तरीके से हर कुछ, अगर आप कैंडल बनाने की सोच रहे हैं तो वैक्स भी मिल जाता है, और उसके जो मोल्ड वगैरह हैं, विक्स वगैरह हैं, सब कुछ आपको अमेज़ॉन पर मिल जाते हैं। तो अमेज़ॉन से ही मैंने ये कैंडल की विक्स मंगाई है, और बहुत जल्दी मैं कैंडल बनाने वाली हूँ, तो मैं अपने किसी ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। सो आपको पता ही है, इस चैनल पे आपको सिर्फ शॉपिंग हॉल से नहीं, व्लॉग्स और काफ़ी सारी होम डेकोरेशन की वीडियो, और काफ़ी ट्रैवल वाली, और तो हर तरह की वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो काफ़ी सारी वीडियोस आप इस चैनल पे देख सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आ रही है, कुछ भी यूज़फुल लग रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सो ये मैंने विक्स मंगाई है, और जल्दी ही आपके साथ कैंडल मेकिंग शेयर करूँगी। एंड नेक्स्ट जो मैंने मंगवाया है वो भी इससे रिलेटेड ही कुछ है, और वो है ये लाइटर। तो इस तरीके से ये जो फ्लेम वाला लाइटर होता है, फ्लेम लाइटर, ये भी मुझे अपनी सिटी में तो नहीं मिला, मैंने काफ़ी शॉप्स पे ढूंढा, ट्राई किया, बट मुझे नहीं मिला। तो ये इस तरीके से गन स्टाइल में और एक फ्लेम वाला लाइटर होता है। तो ये देखिएगा, ऑन करना पड़ता है पहले इसको, तो यहाँ पे ये इसके लॉक भी लग सकता है, तो यहाँ से मैंने इस लॉक को ऑन किया, और अब ये देखिएगा इस तरीके से इसमें फ्लेम निकलती है। तो कैंडल वगैरह जलाने के लिए, या गैस स्टोव जलाने के लिए आप इस तरीके से अगर चाहते हैं तो, और इसके साथ ना इसमें रिफ़िल डलती है, यहाँ पे ये देखिए लिक्विड गैस डली हुई है, तो इसके साथ में आती है इसकी एक रिफ़िल। सो ये दोनों रिफ़िल और लाइटर साथ ही में आए हैं। सो मुझे ये चाहिए था, और फ्लेम तो जो बड़ी बड़ी कैंडल्स वगैरह होती हैं जो जार में आती हैं नीचे, तो उनको ऑन कैंडल जलाने के लिए पर्पज़ से मुझे चाहिए था ये। तो एक मैंने ये लाइटर मंगवाया है, तो आप इसको रिफ़िल साथ में इसको फिल कर सकते हैं जब एक बारी खाली हो जाए तो, और इसकी जो रिफ़िल्स वगैरह हैं वो भी आपको अमेज़न पर मिल जाती हैं अगर ये रिफ़िल ख़त्म हो जाती है। तो ये वाला एक लाइटर मुझे चाहिए था। नेक्स्ट जो है वो है क्या, हाँ वो है एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ जो मैंने आपके साथ पहले भी एक मिरर शेयर किया था, उस टाइम भी मैं इस तरीके से एक मिरर ढूंढ रही थी, और ये देखिए सिल्वर कलर का, और कितना सुंदर सा मिरर है ना ये, आप अपने ड्रेसिंग वगैरह पे रख सकते हैं, काफ़ी सुंदर लगेगा। सो मुझे इस तरीके के से मिरर की ज़रूरत थी, और यहाँ पे आप इसको पीछे से हटा के फ़ोटो भी लगा सकते हैं अगर आपको मिरर नहीं चाहिए तो, बट ये मुझे मिरर बहुत सुंदर लगा। हालांकि मैं एक मिरर पहले भी ले चुकी, बट वो फ़ोटो फ्रेम और लैंप वगैरह का अभी उसमें काफ़ी सारे अटैचमेंट थे, वो इस पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं। और ये मिरर अगर आप ड्रेसिंग पे अपना पीछे से हेयर स्टाइल वगैरह देखने के लिए आपको एक छोटा मिरर चाहिए होता, और ये तो एक डेकोरेटिव पीस भी है, ऐसे भी रखते हैं, काफ़ी सुंदर लगता है। तो ये एक मैंने मिरर मंगवाया है, काफ़ी सुंदर है ना, ये देखिएगा कितना सुंदर मिरर है, और ये देखिए इसके ये सब भी है, काफ़ी रिजनेबल प्राइस में सारी शॉपिंग है, और मुझे ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आई। एंड जो नेक्स्ट है वो है एक ये चॉपर, वेजिटेबल्स वगैरह चॉप करने के लिए ये एक मैंने चॉपर मंगाया, ये इस तरीके से थ्रेड वाला, और इसके साथ में ये इसके अटैचमेंट है, तो इस ब्लेड को आप यहाँ रख सकते हैं और इसको ऊपर से लगा के, और मैंने इसको यूज़ भी किया है तो काफ़ी अच्छा है यूज़ करने में, और थ्रेड से ये इस तरीके से आप इसमें वेजिटेबल्स चॉप कर सकते हैं। इसमें मैंने अनियन चॉप करी थी, और मैंने उसका पराठा बनाया था, तो काफ़ी अच्छे से चॉप हो जाती है इसमें, कभी बिजली ना हो और हमें कुछ ग्राइंड करना हो तो उस तरीके से ये चॉपर काफ़ी अच्छा है। तो ये एक यूज़फुल सी चीज़ मैंने मंगाई थी, ये काफ़ी अच्छा चॉपर है।
इसके रिव्यू मैंने पढ़े थे, काफी अच्छे थे। एंड नेक्स्ट जो चीज मैंने ऑर्डर करी थी वो भी एक ही यूजफुल सी चीज है, और ये है बारबेक्यू स्कीवर्स। तो ये 10 का सेट है और इसको आप बारबेक्यू पे तो यूज कर ही सकते हैं। साथ में आपने देखा होगा कि मैंने गैस पे पनीर टिक्का बनाती हूँ मैं, तो मुझे उसके लिए भी अगर आप गैस पे भी यूज करना चाहते हैं, अंगीठी वगैरह पे भी, किसी पे भी अगर आप कबाब या वेज चीजें भी इसमें अगर बनाना चाहते हैं, पनीर टिक्का वगैरह, तो उसके लिए काफी अच्छे हैं। सो इनकी लेंथ वगैरह भी काफी अच्छी है, तो मैंने ये मंगाए थे और ये 10 का सेट है। ये सारी आइटम्स मुझे काफी टाइम हो गया धीरे धीरे मेरे पास आते गए, मैं इनको खोलती गई, यूज भी कर रही है मैंने कुछ, तो इस तरीके से ये मैंने कुछ शॉपिंग करी अमेजोन से। काफी रीजनेबल सी शॉपिंग है, काफी यूजफुल चीजें हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आज का हॉल कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। सो आपको मेरे चैनल पे सिर्फ हॉल्स वीडियो ही नहीं, शॉपिंग हॉल्स ही नहीं, काफी टाइप्स की वीडियोज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, कभी होम डेकोर से रिलेटेड, कभी ट्रैवल वीडियो, कभी डेली व्लॉग्स, तो मैं आपके साथ काफी कुछ शेयर करती रहती हूँ। अगर आपको इस तरह की वीडियोज देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। आपको इनमें से कौन सी चीज ज्यादा पसंद आई वो भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बी हैप्पी।